कैसे हो दोस्तों? मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी। आज 21 नवंबर संडे 2021 सुबह के 11 बजे है और 4NK न्यूज़ के बिहाफ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारे पीछे एग्जैक्टली फ्री प्रेस जर्नल न्यूज़पेपर की ऑफिस है, ये बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, केपी गोस्वामी के जो बॉडी कम ड्राइवर थे प्रभाकर सेल, उन्होंने जैसे ही अपना स्टेटमेंट दिए, उन्होंने जैसे ही अपना मुंह खोले, उन्होंने जैसे ही एफिडेविट की शक्ल में अपना जो स्टेटमेंट दिए, उसके तहत उनका बॉस केपी गोस्वामी अरेस्ट हुआ। आज उसके ऊपर अनकरीब 4 केस चल रहे हैं, 4 FIR रजिस्टर्ड हुई पुणे में। अब वो एक पुलिस स्टेशन की कस्टडी से बाहर आएगा तो दूसरा पुलिस स्टेशन खड़ा है उसको अरेस्ट करने के लिए कोर्ट से आदेश लेने के बाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो ड्राइवर कम बॉडीगार्ड था प्रभाकर सेल, इसका मुंह खोलते ही एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के दिन बदल गए, उसको आर्यन खान के केस की हटा दिया गया। और अब इस ड्राइवर की वजह से ना जाने कितने प्राइवेट कार ड्राइवर तकलीफ में आने वाले हैं, ना जाने उनकी नौकरियां खतरे में आने वाली, क्योंकि अब उनके बॉस समझ गए हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। तो अब ये जो प्रभाकर सेल ने अपना मुंह खोला अपने बॉस के खिलाफ, जो भी वजूहत हो, किस वजह से उसने मुंह खोला, क्या उसमें इतनी इंसानियत जाग गई जो इतने सालों से केपी गोस्वामी के साथ काम कर रहा था, मुंह बंद रखा हुआ था और अचानक उसने मुंह खोल दिया, जिसकी वजह से आर्यन खान को मदद मिली और वो जेल से रिहा हुए और उन्हें बेल मिली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रभाकर सेल की वजह से आज हजारों प्राइवेट कार ड्राइवर की नौकरी खतरे में आ गई, क्योंकि अब उनके बॉस समझ चुके हैं अगर हमको शांति से अपना बिजनेस करना है, अगर हमको अपना राज कॉन्फिडेंशियल में रखना है, अगर हमको मीडिया में सामने नहीं आना है, तो अब हमें खुद ही कार ड्राइविंग करनी पड़ेगी। तो सूत्रों से पता चला कि बहुत सारे ओनर अभी खुद ही कार सीख रहे चलाने का और वो अपने ड्राइवरों को घर का रास्ता दिखा रहे कि आप अपने घर पे जाइए, अब हमें आपकी सहायता नहीं चाहिए एक प्रभाकर सेल की वजह से। तो मैंने कहा ना, घर का भेदी लंका ढाए, प्रभाकर सेल अगर मुंह नहीं खोलता तो केपी गोस्वामी पे कोई एक्शन नहीं होता, उसका राज राज रहता, भले ही वो हैबिटल शूटर है, उसके ना जाने कितने केसेस तो बन चुके, 4 केसेस और ना जाने कितने केसेस बनेंगे, क्योंकि उसने मासूम सिटीजन को चीट की थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।